सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सर लोग? अच्छा, कल आप लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरियोफेजेस के लाइफ साइकिल्स पढ़े थे, तो फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो वैसे डिजीजेस का आता था, ठीक है? तो डिजीजेस आप लोगों ने पहले पढ़ी नहीं है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा वो रिलेशनशिप ऑफ रेट्रोवायरसेस बनेगा टू ल्यूकोसाइट्स, सही हो गया? अच्छा, अब इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है, जो आज पढ़ाऊंगा ना वो सारा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर आपको वो है एक क्या नाम लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एचएच का लाइफ साइकिल वो पढ़ाऊंगा साथ, लेकिन वो कल की बात होगी। अच्छा, रिलेशनशिप ऑफ रेट्रोवायरसेस टू ल्यूकोसाइट्स। अब इसमें ल्यूकोसाइट्स बेसिकली वो है जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम देते हैं, और रेट्रोवायरसेस अब यहां पर क्या है, दे आर आरएनए ट्यूमर वायरसेस, ठीक हो गया? क्या है बेसिकली, ऐसे वायरसेस हैं जो कि आरएनए कंटेन कर रहे हैं और ट्यूमर पैदा करवाते हैं, ट्यूमर कैंसर को बोलते हैं, तो कैंसर पैदा करवाने वाले वायरसेस को आप नाम देते हैं। अच्छा, जो कैंसर है उसके लिए ऑन्को वायरसेस का नाम भी देते हैं, इन वायरसेस को जो कैंसर पैदा करने वाले हैं ऑन्को वायरसेस बोलते हैं, वजह ऑन्कोलॉजी से। ऑन्कोलॉजी क्या है? दिस इज दी बेसिकली स्टडी ऑफ कैंसर। तो आप यहां पर फिर समझ रहे हैं कि जो ट्यूमर का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो कैंसर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सही हो गया? अच्छा, अब ना आपको इसकी एक एग्जांपल भी याद होनी चाहिए। तो इसकी एक एग्जांपल है एचआईवी, और एचआईवी कौन सी बीमारी कॉज करता है? एड्स की बीमारी कॉज करता है। एचआईवी क्या है? एड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऐसा वायरस है जो इंसानों के अंदर इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है अक्वायर्ड जो हम हासिल करते हैं इम्यूनो, जिसमें इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी कम हो जाता है, और इसके नतीजे में सिंड्रोम हो जाता है। सिंड्रोम होता है बहुत सारी बीमारियों का मजमुआ, सही हो गया? तो एचआईवी की वजह से एड्स की बीमारी हो जाती है। अच्छा, अब आपको यहां पर एचआईवी का याद क्या करना है, स्ट्रक्चर याद करना है। एचआईवी का अगर आप स्ट्रक्चर याद करें ना, तो सबसे पहले इसके अंदर आप देखेंगे कि एक कैप्सिड मौजूद होता है, जो आपको पता है कैप्सिड होता था, तो ये बेसिकली इसमें क्या होगा, ये कैप्सिड है। अच्छा, इस कैप्सिड के अंदर कौन होगा? इस कैप्सिड के अंदर आरएनए होगा, और ये देखें आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसका मतलब है आरएनए दो मौजूद है इसके अंदर और दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड है। फिर सबसे कीमती बात, यहां पर एक एंजाइम पड़ा हुआ है, इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है? और ये दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पड़े हैं, और इन सब के बाहरी साइड पर इनवेलप मौजूद है, और इनवेलप के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनवेलप कहां से आता है। इनवेलप बेसिकली आता है होस्ट से, तो ये इनवेलप होस्ट का होगा। इस इनवेलप के ऊपर आपको कुछ कांटेदार साख्ते मिलेंगी, और ये जो कांटेदार साख्ते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कॉमन पेंस होती है ना, कोई होक्स होती है, ये बिल्कुल वैसी शेप्स की होंगी। तो इनके लिए हम वर्ड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, दे आर स्पाइक लेट्स, ठीक है? ये स्पाइक लेट्स कहलाते हैं बेसिकली। तो ये आपके पास एचआईवी का स्ट्रक्चर हो गया। अब एचआईवी के स्ट्रक्चर में जो सबसे कीमती बात थी वो कौन सी थी, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है भला? ये ना आरएनए को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, डीएनए के अंदर। आरएनए आपको पता है हमेशा से सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट करेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। तो ये आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन होगा।
लेकिन ऐसा क्यों होता है वो हम अगले लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे, अभी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर रहे हैं। अच्छा अब ये तो हो गया एचआईवी, इसने बीमारी पैदा करनी है, एड्स ये मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन एचआईवी और इस ल्यूकोसाइट का क्या काम है बुनियादी तौर पर। अच्छा देखिए आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स के टोटल 5 किस्म है, उनमें से एक किस्म है जिसे आप बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और ये लिम्फोसाइट्स वो हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करवाते हैं। अच्छा इन लिम्फोसाइट्स के आगे दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। टी वो है जो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है थाइमस, थाइमस में पैदा हो रहे हैं, और बी वो है जो हमारी बोन मैरो में पैदा हो रहे हैं, हमारी हड्डियों के अंदर गुदा जो है वहां पैदा हो रहा है। अभी इसके बारे में नहीं आपको पर आगे दोनों इम्यूनिटी पैदा करते हैं। अच्छा टी की एक और टाइप है आगे हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ये सबसे कीमती चीज है। अच्छा फर्ज करो आपके पास ना ये एक सेल है और ये कौन सा सेल है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हमारी ब्लड में हो गए। अब खुदा ना खास्ता जरासीम जिस्म के अंदर आ गया, कौन सा जरासीम आया एचआईवी, ब्लड में चला गया, पूरी बॉडी में जा सकता है, क्या ये पूरी बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं। ये किनको नुकसान पहुंचाएगा? सिर्फ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। वजह क्योंकि इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर ना एक खास किस्म की सरफेस है CD4 रिसेप्टर साइट, और ये सबसे सिग्निफिकेंट है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर साइट्स, ये वो वाली साइट होगी जहां पर कौन आपके अटैच होगा बेसिकली HIV आपके अटैच होगा। तो ये देखो HIV ने हमारी बॉडी में कहीं और अटैच नहीं होना, मास पाइप इसके CD4 रिसेप्टर साइट, और ये कहां मौजूद है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। इसलिए जब भी HIV हमारी बॉडी में आके नुकसान पहुंचाएगा तो एक्चुअली किनको नुकसान पहुंचाएगा? इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। इन्होंने क्या करना था? इम्यूनिटी पैदा करनी थी। ये खराब हुए, इम्यूनिटी खत्म हो गई, इम्यूनिटी कम होते होते बीमारी जो होगी उसका नाम फिर क्या होगा? एड्स। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप ऑफ रेट्रोवायरसेस टू ल्यूकोसाइट्स, ठीक हो गया। एक और फिर सुन ले, रेट्रोवायरसेस RNA वायरसेस है जो ट्यूमर कैंसर पैदा करते हैं, इनका दूसरा नाम ऑनको वायरसेस भी होता है। इसकी वजह से इसकी एक मिसाल जो HIV है जो एड्स की बीमारी पैदा करती है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको HIV का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, अंदर कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अंदर RNA के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बाहर वाली साइड पर एनवेलप जो होस्ट पैदा करेगा जिसके ऊपर स्पाइक कैप्स होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज आरएनए एक एंजाइम है जो RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा, फायदा इसका बाद में पढ़ेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी पैदा करने वाले हैं जिनकी टी और बी टाइप्स होती हैं। टी की एक टाइप है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, बेसिकली एचआईवी आपके हेल्पर टी लिम्फोसाइट को टारगेट करता है। वजह क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर साइट है CD4 रिसेप्टर साइट, जहां पर कौन आपके अटैच होगा? HIV। तो HIV ने कहीं और नहीं जाना मास्क वायरस को, सिर्फ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ओके हो गया जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो सिंपल आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लाइक एड्स क्या है? एड्स एक बीमारी है, कौन सी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी के बेशुमार निजाम इम्यूनिटी कम होने की वजह से खराब हो जाते हैं। भला क्यों? जब इम्यूनिटी कम होगी तो जो मर्जी जरासीम जिस्म में आए और अपनी बीमारी पैदा कर दे, तो इस बंदे को जिसको एड्स है उसकी बॉडी में बहुत सारे जरासीम हमलावर हो गए, उसकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिंड्रोम बन जाता है। तो अब देखो जब इम्यूनिटी कम हो गई तो आप इसमें बता सकते हैं ना सिम्टम्स, अगर आपको कहें कुछ बताओ एड्स के सिम्टम्स क्या, तो पहला तो ये लॉस ऑफ इम्यूनिटी। अच्छा जिस बंदे की इम्यूनिटी कम हो जाएगी ना उसको फिर बहुत ज्यादा खतरात आ जाएंगे बीमारियों के। तो एक आपने ऊपर ट्यूमर कैंसर भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, लिखा हुआ है कि इनको रेयर वास्कुलर कैंसर होता है, इनको स्किन का कैंसर है खतरनाक किस्म का। अच्छा इनका वेट लॉस हो जाता है, हमारी बॉडी में
यहां पर करके कान के पीछे करके लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे, वो लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाते हैं। छोटे बच्चे जो बड़े वीक होते हैं ना, आप उनके कान के पीछे हाथ लगाएं तो आपको सूजा हुआ हिस्सा दिखेगा जगह जगह से, वो एक्चुअली लिम्फ नोड्स है, वो स्वोलन होते हैं। तो ये देखें, ये एक शॉर्ट में से इनके सिम्टम्स का हो गया। शुरू में सबसे पहली दफा जो इंस्टीट्यूट ऑफ पास्टर है ना, उसने सबसे पहली दफा फ्रांस का जो इंस्टीट्यूट ऑफ पास्टर है उसने एचआईवी को डिस्कवर किया, फिर एचआईवी को नाम दिया। ये दो एमसीक्यूज आपकी बुक में है। इसी तरह कैसे फैलेगा एचआईवी, आपने पढ़ा हुआ है जब हम किसी को खून देते हैं या खून लेते हैं तो जरासीम मुंतकिल हो सकता है, स्लाइवे के थ्रू हो सकता है, इसी तरह सेक्सुअल कंटेक्ट के जरिए हो सकता है, सिरिंजेस इस्तेमाल करने से हो सकता है, मतलब कोई भी बॉडी फ्लूइड एक से दूसरे में चला जाए, खून है, सीरम है, स्पर्म्स, सीमन, वो हो सकता है, इवन हमारी नेजल सेक्रीशन, ऑरल सेक्रीशन, कुछ भी जो कहां चली जाती है एक पर्सन से दूसरे में, इन्फेक्टेड से दूसरे में चली जाए तो बीमारी कॉज करते हैं। अगर हम इनसे बचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे भला, इन सारी चीजों से एहतियात करेंगे, खून लेते देते वक्त एहतियात करेंगे, किसी की सिरिंज इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी के ब्लेड इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी से फ्री जिंस सेक्सुअल कंटेक्ट जो जिंसी ताल्लुक है वो कायम नहीं करेंगे। तो ये सारे बचाव के तरीकाकार है। तो जो एड्स वाला टॉपिक है उसमें आपने उसके सिम्टम्स पढ़ने हैं, उसमें आपने उसकी कॉज ऑफ स्प्रेडनेस पढ़नी है, हम इससे बच कैसे सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या है ये पढ़नी है। सबसे पहली दफा कब डिस्कवर हुआ, किसने किया, ऑब्जेक्टिव याद करनी है, फिर इसको नाम किसने दिया, एमसीक्यूज आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपने इसको याद करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपने सारा इसको अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। एचआईवी का स्ट्रक्चर आपको साथ में आना चाहिए, ओके हो गया। और रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट्रोवायरसेस का ताल्लुक क्या है ल्यूकोसाइट्स के साथ, ये सारा लिखा हुआ है। इस पूरे टॉपिक में एक वर्ड प्रोवायरस है, वो भी आपने नहीं पढ़ना जो कि मैंने नहीं पढ़ाया, कल के टॉपिक में इंशाल्लाह जब एचआईवी का लाइफ साइकिल पढ़ेगा ना, आपको सेकंड लास्ट पेज के ऊपर देखें तो आप उसमें आपको एक पूरा लाइफ साइकिल मिलेगा। आपने वो लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना, बाकी सारा पढ़ना है यहाँ पर, ठीक हो गया। रेट्रो और एड्स ये सारा पढ़ना है, मास वाइज लाइफ साइकिल के, वो मैं डायग्राम आपको कल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बताऊंगा, तो ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद। लेकिन वो अलग से है, ये अलग से है, ये शॉर्ट है सारे के सारे, ये आपको शॉर्ट के तौर पर याद करने हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो, आपसे पहले भी कहा है कि एकेडमी रब्ता करें, उनसे पूछें, और इस टाइम हम यहाँ पर ही होते हैं, ये तकरीबन कोई टाइम है 7:15 से, जो आपका लेक्चर का टाइम पहले हुआ करता था 7:15 से 8:30, तो आप इस टाइम में कॉल करके वैसे सर से कहीं बात करवा दें, आप पूछ सकते हैं, जरूर पूछें इसके बारे में, ठीक हो जाएगा, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है, बाकी जो प्रॉब्लम हो वो आप पूछें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।